बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर, नवनीत राणा के अल्टीमेटम को लेकर उद्धव के निजी और आधिकारिक आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। उद्धव के निजी आवास मातोश्री और सरकारी आवास वर्षा के बाहर शिव सैनिकों ने डेरा डाल दिया है। निर्दलीय सांसद हैं नवनीत कौर राणा, उनके पति रवि राणा दोनों उद्धव के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि नवनीत को पुलिस ने ऐसा ना करने के लिए नोटिस दिया था, मगर नवनीत कौर राणा पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी शिवसेना वर्सेस राणा महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। अरुणिल मेरे सहयोगी इस समय लाइव मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरुणिल, क्या तस्वीर है अभी? क्या नवनीत कौर राणा उनके पति वहां पहुंच चुके हैं? शिव सैनिक मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न, एज फार एज पीपल ऑफ मुंबई कर सा कंसर्न, किसी को डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। अगर हम देखेंगे कि हम मातोश्री के बाहर से अभी बात कर रहे हैं, सीनियर शिवसेना के नेता जो है अनिल देसाई, शिवसेना के एमपी भी है, हमारे साथ है, हमसे बात करेंगे। अनिल देसाई जी, अगर देखने गए तो असली इश्यू क्या है, हनुमान चालीसा वर्सेज लाउड स्पीकर या फिर शिवसेना वर्सेज एमएनएस और बीजेपी, इश्यू क्या है? टाइम्स नाउ को अभी तक पता नहीं है, दैट इज सरप्राइजिंग। आप तो हर घंटे की, हर मिनट की, हर सेकंड की बात लोगों के सामने रखते हैं, और आप ही को अकॉर्डिंग टू शिवसेना व्हाट इज हैपनिंग यू सेड ना, ये क्या हो रहा है? हाँ, हमको तो ये आप जानते हैं, जिन्होंने ये स्टंट किया, हमने किया था हनुमान चालीसा या हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में जो जो संस्कार की बातें हैं, जो जो संस्कृति की बातें हैं, वो शिव सैनिकों में बहुत बचपन से, जब से पैदा हुए तब से अपने माता पिता के जरिए से, अपने परिवार के सदस्यों से, और ओवर एंड अबव मेनली हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना का निर्माण किया, हिंदुत्व की जो मूल्य रहती हैं वो मूल्यों को शिवसैनिकों को एक हम बाड़कड़ू कहते हैं, इट्स अ बिटर पिल एंड दैट इज बीन गिवन टू हैव इट एज अ वैल्यूज, हिंदू वैल्यू। तो हमारे में ये पूरा ये है। अब जिनको लग रहा है हनुमान चालीसा वगैरह, तो मैं ये कहता हूँ कि उनको, वो भी महाराष्ट्र के हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो जब महाराष्ट्र पर गए दो ढाई सालों में जो इतने संकट आए, जिसका मुकाबला महाविकास आघाड़ी की सरकार जिन उद्धव जी के नेतृत्व में करती आई, आप देखिए कोरोना, उद्धव जी ने लेट मी कोरोना पैंडेमिक जो बहुत बड़ा जब दुनिया में महामारी थी, उसके बाद में यहाँ पे तोकते निसर्ग जैसे जैसे साइक्लोन्स आए, इतनी बड़ी हानि होती रही, उस वक्त ये जो हनुमान चालीसा कहते हैं संकट मोचन, उस वक्त नहीं याद आया, उस वक्त तो आप कौन से इसमें थे। आज जब इन सभी घटनाओं पे, संकटों पे मात कर महाविकास आघाड़ी की सरकार अच्छी तरह से महाराष्ट्र में काम कर रही है उद्धव जी के नेतृत्व में, तब बचा कुछ नहीं है विकास के मुद्दों पर, कोई लोगों की समस्या पर, क्योंकि ऑन एवरी फ्रंट ही इज प्रूव सक्सेसफुल। आज आप सर्वेस भी आप ही टाइम्स नाउ ने दिखाया था कि दिस सर्वेस हैव कम रेटिंग द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, उद्धव जी फेड नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, सो ऑल दैट सब ये सुनिए ये सब जब अच्छी तरह से चल रहा है, तो जाहिर है कि करने के लिए वहां के टीका टिप्पणी या निंदा करने के लिए कोई बात बची नहीं है। तो आप इस तरह की बातें खड़े करो, इस तरह के लोगों को खड़े करो, होगा कभी सोंगा, ये सब जो बातें हैं कि भाई हनुमान चालीसा पठन, आप अगर हिंदू धर्म की इस संहिता को सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीखिए, यहाँ पे शिवसैनिक इसीलिए हैं, आपको सिखा देंगे। एक प्रेशर माउंट हुआ है शिवसेना पार्टी पे जब से राज ठाकरे ने अग्रेसिव हिंदुत्व स्टैंड लिया है। एब्सोल्युटली नॉट, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व ही शिवसेना की आत्मा है, हिंदुत्व का निर्माण, शिवसेना का निर्माण करते हुए बाला साहेब ठाकरे जी ने मराठी आदमी को, हिंदुओं को ये मूल्य दिया है, गर्व से कहा वो हिंदू है, हु कॉइंड द फ्रेज, किसने कहा था? बाबरी मस्जिद के निर्माण, बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिर गया था उस वक्त देखिए कौन क्या बोल रहा है, उससे नहीं है। आप यू गो बैक टू 90s, जब 1990 तो ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। इससे पहले हम मातोश्री की तस्वीरें देख रहे थे, वहाँ तमाम शिव सैनिकों की मौजूदगी थी, और ये जो अभी प्रदर्शन हो रहा है ये नवनीत कौर राणा के घर के बाहर हो रहा है, जो जानकारी मिल रही है। नवनीत राणा
निर्दलीय सांसद हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे द्वारा ये हनुमान चालीसा विवाद शुरू हुआ था, अब इसमें निर्दलीय सांसद राणा भी कूद गई हैं और ये लड़ाई अब मातोश्री तक पहुंच गई है, वर्षा तक भी पहुंचेगी। और ये फिलहाल तस्वीर नवनीत कौर राणा की आवास के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। नवनीत कौर राणा ने ऐलान किया था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, उस ऐलान के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, लेकिन उन्हें साफ कहा गया, उन्हें नोटिस तक भेजा गया कि हालात खराब ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस बाबत नोटिस भी उन्हें गया, लेकिन शायद वो मानने को तैयार नहीं है। नवनीत अपने पति के साथ, रवि राणा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर करेंगी और ऐसे में मातोश्री के बाहर सभी शिव सैनिकों को पहुंचने के लिए पहले ही शिवसेना की तरफ से कह दिया गया था। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा के घर के बाहर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरुणिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, अभी आप कहां मौजूद हैं और राज ठाकरे ने पूरा विवाद शुरू करा, अब इसमें नवनीत कौर राणा भी कूद गई हैं, मातोश्री तक ये विवाद पहुंच गया। जोशना, अगर देखेंगे हम अभी मातोश्री के बाहर है, ये घर है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का। हम यहाँ पे शिव सैनिक से भी बात करेंगे। आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, आपको क्या लगता है जो नवनीत मेरे ख्याल से कल से शिवसैनिक मातोश्री के बाहर बड़ी तादाद में खड़े हैं। आपने कल रात को देखा रहेगा कि शिवसैनिकों के ऊपर कोई आया तो शिवसैनिक प्रहार किस तरीके से करता है, और जैसे उन्होंने हमें आह्वान दिया है कि 9 बजे वो यहाँ आएंगे, वो हिसाब से सब शिवसैनिक आज मातोश्री के बाहर, हमारे मंदिर के बाहर आज हम सब यहाँ उपस्थित है। अभी देखते हैं कौन किसको कैसे प्रसाद देता है। रोज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे शिवसैनिक यहाँ पे आ रहे हैं, राज ठाकरे ने हिंदुत्व का इशू लिया है, तब से कैसे माउंट हुआ शिवसेना पे? कोई भी इशू एक दिन में लिया नहीं जाता है, कोई भी काम एक दिन में किया नहीं जाता है। शिवसेना ने हिंदुत्व के गए 25, 30, 40 साल से हिंदुत्व को बढ़ाया है, हिंदुत्व के लिए अपना खून पसीना एक किया है। राज ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा लेके जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफी त्याग की परंपरा होनी चाहिए, जो त्याग की परंपरा सिर्फ शिवसेना के पास है। और एक बात बताइए कि नवनीत राणा और उनके हस्बैंड ये बोल रहे कि हम हनुमान चालीसा यहाँ पे बोलेंगे, शिवसेना भी बोल रहे कि हम भी हिंदुत्व के मेन कस्टोडियन है, तो कहाँ पे यहाँ पे मनमुटाव हो रहे हैं? देखिए, कोई चीज करनी है तो उसकी स्टंट करना और एक्चुअल हनुमान चालीसा पढ़ना, इसमें काफी फर्क आता है उसमें। और ये स्टंटबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, पब्लिक नोज कि वो यहाँ से आए, फिर उधर उनके रूम में खुद को बंद करके लिया है, रोज सिर्फ मीडिया के सामने जाना, उससे कुछ हनुमान चालीसा और उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, वो एक छोटा सा स्टंट है उनका। आप बोलिए, जो हिंदू होने पे उसको शंका है, इसके लिए उसने भगवान के सामने फोटो खींचा रहा है कि दिखा रहा है कि मैं हिंदू है। जो हिंदू असली हिंदू हो दिखाता नहीं और फोटो खिंचाता नहीं है किसी के सामने, वो फोटो दिखा रहा मोदी के जैसा सो पानी कर रहा है कि मैं हिंदू है। हिंदू कभी अपना दिखाता नहीं है, और हिंदू कैसा रहता है वो सब देख रहे इधर इस टाइम पे। कोई हिंदू दिखाता नहीं है कि मैं पूजा कर रहा, मैं हिंदू है। जिसको हिंदू होने पे शंका है कि मैं हिंदू नहीं है, इसके लिए हिंदू के लिए बात कर रहा है, और हिंदू का दिखा रहा है भगवान का फोटो लगा के कि मैं हिंदू है। वो हिंदू है नहीं, वो बियर बार में काम करने वाली औरत है। वो नवनीत राणा के लिए भी जो शिवसेना गुस्से में बात करें, अगर आप मूड बाहर दिखाएंगे मातोश्री के यहाँ पे, तो एक विमेन कार्डर लार्ज नंबर में यहाँ पे आया है, मेन कार्डर भी आया, नेता भी यहाँ पे आए, नवनीत राणा के यहाँ पे आती है, क्या उनके हस्बैंड यहाँ पे आती है वो खाली टाइम ही बताएगा, क्योंकि उनको भी एक नोटिस इशू किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे ना आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। एक वाई कैटेगरी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलॉट की है नवनीत राणा को। नहीं, नवनीत कौर राणा के हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान को शिव सैनिक क्या समझ रहे हैं? शिव सैनिकों की बात सुनकर तो अरुणिल यही लग रहा है, मैं वापस अरुणिल के पास जाऊंगी। बहरहाल, अभी आपने सुना है जो तमाम शिव सैनिकों की मौजूदगी है, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं? क्या हम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं? और क्या ये धमका नहीं रहे शिव सैनिक कि अगर ये उतरे हनुमान चालीसा का पाठ करने तो हम बता देंगे कैसे शिव सैनिक प्रहार करता है?
एक एक इनडायरेक्ट थ्रेट यहाँ पे शिवसैनिक की तरफ से जा रहा है ऐसा भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे शिवसैनिक ये बोल रहे हैं कि अगर राणास को यहाँ पे आना है वो आ जाए यहाँ पे हनुमान चालीसा बोले, हम उनको प्रसाद देंगे और प्रसाद हमारे स्टाइल में प्रसाद दिया जाएगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। और आपने बहुत सही तरीके से इसको दर्शाया भी कि ये बोलते हुए कि हिंदुत्व का मेन कस्टोडियन कौन है, इस पे अभी एक झगड़ा, एक टग ऑफ वॉर छिड़ गया, एक झगड़ा छिड़ गया है। एमएनएस ने ये इशू अभी जोरों से पकड़ा है, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के लाइन पर ही पॉलिटिक्स करती आ रही है, और अभी शिवसेना ये बोल रही है कि हम पहले से बाला साहेब ठाकरे के टाइम से हिंदुत्व के बारे में हम लोग को पढ़ी थी। हम यहाँ पे जरा जाके जो महिला कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो राणा फैमिली ने ये बोला है कि यहाँ पे आके हनुमान चालीसा बोलेंगे, आप उसके बारे में क्या लगता है आपको, हिंदी में बोलिए। आने तो दो इधर, हम तो कल से राह देख रहे हैं उनके, जो नौटंकी कर रहे हैं ना उनको बोलना आप आ जाओ, नौटंकी बंद करो, शिव सैनिक महिला आघाड़ी तैयार है उनके स्वागत के लिए, इधर कल से हम बैठे। मैम आपको लगता है कि जब से राज ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा जोरों से उठाया है तब से एक प्रेशर भी आ गया है शिवसेना पार्टी पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राजकारण है ये, राज का राजकारण है। 4 साल किधर था राज ठाकरे, 4 साल इसने कुछ मुद्दे उठाए नहीं, अभी क्यों ये बीजेपी का छोड़ा हुआ वो पौधा है, ये एक बबली बंटी नौटंकी है नाचने वाली बार में, ये क्या हमको शिवसेना को सिखाएगी, उसको बोलना तो आजा हम खड़े। ये जो शिवसैनिक बात कर रहे हैं, काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स भी आ रही है नवनीत राणा के अगेंस्ट में, टाइम नाउ क्लियरली उसको कंडोन नहीं करता है, बट यहाँ पे काफी गुस्से में शिवसैनिक यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली ये बात करते हुए दिख रहे हैं कि जिसको आना है आ जाए, हम उनका स्वागत अपने स्टाइल में करेंगे।